दोस्तों, ओम शांति। तो दोस्तों, आज का दिन आपके लिए बहुत ही मस्ती भरा और प्लानिंग से भरा होगा। किसी को कहीं घूमने जाना होगा, तो किसी को अपने रिश्तेदार से जाना हो से मिलने जाना होगा, तो किसी को अपने दोस्त के साथ पार्टी करनी होगी, तो किसी को घर बैठकर ही चटपटा मज़ेदार खाना बनाने की प्लानिंग होगी। तो दोस्तों, आइए हम भी थोड़ी मस्ती करते हैं। दोस्तों, एक मेंढक पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का सोचता है और आगे बढ़ता है। बाकी के सारे मेंढक शोर मचाने लगते हैं, ये असंभव है, ये असंभव है, आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, ये असंभव है, तुम नहीं चढ़ पाओगे। मगर मेंढक आखिर पहाड़ की चोटी पर पहुंच ही जाता है। जानते हैं क्यों दोस्तों? क्योंकि वो मेंढक बहरा होता है और सारे मेंढकों को चिल्लाते हुए देख सोचता है कि सारे उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। इसीलिए अगर आपको भी अपने लक्ष्य पर पहुंचना है, तो नकारात्मक लोगों के प्रति बहरे हो जाइए और यही सोचिए कि वे आपको नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी दे रहे हैं। इसी तरह एक बच्चा अपने डॉक्टर पिता के काम में विघ्न डाल रहा था। पिता ने उसे संसार का नक्शा टुकड़े टुकड़े करके ठीक से वापस जोड़ने के लिए बच्चे को दे दिया। सोचा 2-3 घंटे लगा रहेगा, लेकिन बच्चा कुछ ही मिनटों में नक्शा जोड़कर ले आया। डॉक्टर को बड़ी हैरानी हुई। डॉक्टर पिता ने पूछा, बेटा इतनी जल्दी कैसे किया? तो बच्चे ने उत्तर दिया कि नक्शे के दूसरी तरफ एक इंसान का चेहरा था, मैंने उल्टा रखकर जोड़ दिया। मैंने सोचा यदि इंसान ठीक हो गया तो संसार अपने आप ही ठीक हो जाएगा। बच्चे की बात साधारण थी पर गहरी बहुत थी। इसी तरह दोस्तों, अगर संसार में हर व्यक्ति, चाहे वह औरत हो चाहे आदमी, अगर अपनी सोच पॉजिटिव बना लेना, तो यह संसार बहुत खुशनुमा हो जाएगा। दोस्तों, छोटी सी है जिंदगी, हर बात में खुश रहें। जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज़ में खुश रहें। कोई रूठा हो आपसे उसके अंदाज में खुश रहें। जो लौट के नहीं आने वाले उनकी याद में खुश रहें। कल किसने देखा है दोस्तों, अपने आज में खुश रहें। दोस्तों कहते हैं, मौका जितना छोटा शब्द है उतनी ही देर के लिए आता है। आने की दस्तक दूर जाते हुए दरवाज़ा भी नहीं खटखटाता है। रात सुबह का इंतज़ार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतज़ार नहीं करती। जो भी खुशी से मिले उसका आनंद लिया करो दोस्तों, क्योंकि जिंदगी वक्त का कभी इंतज़ार नहीं करती। दोस्तों, तपस्या अगर पार्वती की थी तो प्रतीक्षा शिव की भी रही होगी। आँख में आंसू सीता के थे तो तड़प राम की भी रही होगी। राधा कृष्ण को ना पा सकी तो अधूरे कृष्ण भी रहे होंगे। जीवन जब ईश्वर के लिए सरल ना था तो हम मनुष्य की औकात ही क्या है दोस्तों। इसीलिए हमें तो मेहनत करनी ही करनी है, बट खुशी खुशी, दुख से नहीं। 18 साल के थे तब लगता था अपना टाइम आएगा। 30 के हो गए थे तब भी यही लगता था अपना टाइम आएगा। 40 की उम्र हो जाएगी तब भी एक आस होगी कि अपना टाइम आएगा। 50 के पार हो जाएंगे तो हो जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, पर अपना टाइम कभी नहीं आएगा दोस्तों। फिर अचानक एक दिन सीने में दर्द होगा और वही बात डॉक्टर कहेगा कि इनका टाइम आ गया है, सब रिश्तेदारों को बुलवा लें। तो अपने टाइम का कभी इंतज़ार ना करें, खुद टाइम बनाएं, बस खुल कर जिएं और खिलखिला कर हंसे दोस्तों। दोस्तों कहते हैं, एक साल की कीमत उनसे पूछें जो फेल हुआ हो, एक महीने की कीमत उनसे पूछें जिनको पिछले महीने की तनख्वाह ना मिली हो, एक हफ्ते की कीमत उनसे पूछें जो पूरा हफ्ता हॉस्पिटल में रहे हों, एक दिन की कीमत उनसे पूछें जो सारे दिन भूखे रहे हों, एक घंटे की कीमत उनसे पूछें जिसने किसी का इंतज़ार किया हो, एक मिनट की कीमत उनसे पूछें जिसकी ट्रेन 1 मिनट पहले ही मिस हुई हो, एक सेकंड की कीमत उससे पूछें जो दुर्घटना से बाल बाल बचा हो। इसीलिए दोस्तों, हर पल हर लम्हा परमात्मा का शुक्रिया अदा करें कि आपने मुझे ये जीवन जीने का दोबारा मौका दिया है। तो आज के मस्ती भरे दिन के लिए सकारात्मक विचार। अपना तो सीधा सा गणित है दोस्तों, जहाँ कदर नहीं वह जाना नहीं, जो पछता नहीं वो खाना नहीं, जो सच पर रूठे उसे मनाना नहीं, जो नज़रों से गिरे उसे उठाना नहीं, मौसम सा जो बदले वो दोस्त बनाना नहीं। ये तकलीफें तो ज़िंदगी का हिस्सा है, डटे रहना दोस्तों पर कभी घबराना नहीं।
अच्छा बनना और अच्छा होना में बहुत फ़र्क है। लोग अच्छा बनने के लिए न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी से खेल जाते हैं दोस्तों, और जो अच्छे होते हैं ना वो हज़ार जिंदगियों की ज़िंदगी बना जाते हैं दोस्तों। तो ज़िंदगी बनाइए, ज़िंदगी से खेलिए मत। कोशिश करें ज़िंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, कोशिश करें कि ज़िंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि ज़िंदगी हो ना हो, ज़िंदगी रहे ना रहे, मगर अच्छी यादें हमेशा ज़िंदा रहती हैं दोस्तों। ज़िंदगी में समस्या देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो दोस्तों, ज़िंदगी में समस्या देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो दोस्तों, परमात्मा की कृपा दृष्टि से तो बड़ी नहीं हो सकती ना। दूसरों का हमेशा भला कीजिए, आपको लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा क्या दोस्त क्या होता है दोस्तों, लाभ। इसी तरह दूसरों पर दया करेंगे तो लोग आपको हमेशा याद करेंगे, क्योंकि दया का उल्टा भी याद होता है दोस्तों। जब कोई हाथ व साथ दोनों ही छोड़ देना दोस्तों, जब कोई हाथ व साथ दोनों ही छोड़ देना दोस्तों, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाले भेज ही देता है, और इसी का नाम जिंदगी है। प्रार्थना करें केवल इसलिए नहीं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, प्रार्थना करें केवल इसलिए नहीं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, बल्कि इसलिए करें कि हम शुक्रगुजार हैं जो कुछ हमारे पास हैं। परमात्मा पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करें, परमात्मा पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करें दोस्तों, जिसको आप हवा में उछालें तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। इसीलिए दोस्तों परमात्मा भी आपको कभी गिरने नहीं देंगे, इसलिए हमेशा परमात्मा पर विश्वास बनाए रखें। अपने आप को आप छोटा समझते हैं तो समस्या बड़ी दिखती है दोस्तों, अपने आप को आप छोटा समझते हैं ना तो समस्या बड़ी दिखती है, इसलिए अपने आप को सर्वशक्तिमान परमात्मा के बच्चे समझें, जिससे समस्या का असर आप पर ना पड़े। एक बार चंद्रगुप्त ने पूछा, अगर किस्मत लिखी जा चुकी है तो कोशिश करके क्या मिलेगा, अगर किस्मत लिखी जा चुकी है तो कोशिश करके क्या मिलेगा। तब चाणक्य ने कहा, क्या पता किस्मत में ही लिखा हो कि जो भी मिलेगा कोशिश करके ही मिलेगा। तो दोस्तों कोशिश करते रहिए, सकारात्मक बनते रहिए, और आज के मस्ती भरे दिन को अच्छे से गुजारिए। थैंक यू दोस्तों, ओम शांति।